आज यहाँ पे जहाँ पे जयपुर शहर के अंदर जहाँ कुछ ही देर में मोदी जी आने वाले हैं उनका इंतजार हो रहा है। 7:30-8 बजे तक बोला जा रहा है कि वो यहाँ पे पधार जाएंगे, और जिसके पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से जनसमूह, किस तरीके से पब्लिक, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है। सिक्योरिटी पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात है, चारों तरफ सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है, जहाँ पे एक एक व्यक्ति को डिटेक्टर से चेक करके आया जाए, यहाँ तक कि मीडिया के भी एक एक साधन को चेक करके उसके बाद में अंदर भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ का उत्साह और चारों तरफ व्यवस्था, आप देख सकते हैं लेडीज वगैरह का अलग अलग प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन ने चारों तरफ चौकन कर रखा है, प्रशासन की भी व्यवस्था पूरी तरीके से है, मीडिया वाले की पूरी व्यवस्था है, मीडिया की तरफ से अलग से एक असेंबली हर चीज़ के लिए, वीआईपी के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे किस तरीके से वो कुछ जोश के साथ यहाँ पे आए और क्या 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 वो मोदी जी से चाहते हैं, क्यों इतना उत्साह उनके अंदर है, हम आपको ये भी दिखाते रहेंगे। कब तक उनको बोला गया है कि अभी 7:30-8 बजे तक मोदी जी आएंगे, उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा अपार जनसमूह आने की अंदेशा है पूरा, जहाँ पे हम यहाँ पे आपको लाइव कवरेज दिखाते रहेंगे, उसके बाद में यहाँ तक आएंगे। जानते हैं उससे पहले यहाँ पे आए हुए लोगों से, ग्रामीणों से, यहाँ के संचालकों से कि किस तरीके से ये सफल रैली बनाने के अंदर कितना जनसमूह आने की आशंका है। अभी आप यहाँ पे आए, कितना जनसमूह यहाँ पे आने का अभी अंदेशा है? 7-8 लाख लोगों आने का है, और करीब 1-1.25 लाख आदमी अभी आ चुके हैं। मोदी जी आने से लोगों को इतना उत्साह हो रहा है, जयपुर शहर ही नहीं अपितु आसपास के जितने भी गांव है वो सब काफ़ी जुट रहे हैं। दिन से ही लोग बाग सुबह से ही अपने काम धाम से फ्री होके शाम की यूँ चर्चा चल रही है कि साहब मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी को सुनने जरूर चल रहे हैं, चाहे बुजुर्ग आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बड़ा उत्साह है। और ये जो चुनाव है ये देश का नेतृत्व बचाने के चुनाव है, और जो बागडोर जो संभालने जा रहे हैं जनता, बहुत उत्साह हो रही है कि साहब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कितना कितना मोदी जी के आने के बाद में आपको क्या लगता है कितनी लहर चेंज हो जाएगी, या मोदी जी के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो साहब, मोदी जी जो आएंगे वो तो लहर तो पहले से ही चल रही है, अब बड़ी लहर चालू आने की है। वैसे तो मोदी जी आ रहे हैं उसके लिए तो बहुत उत्सुक हो रहे हैं, लेकिन जो दाएं बाएं थोड़ा सा हो रहे थे वो भी और डाइवर्ट पूरे हो जाएंगे, और जोर शोर से बीजेपी आ रही है। साहब, देखा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पे लोग ज़्यादा वोट मांग रहे हैं जहाँ के, यहाँ पे काम काज के अंदाज पे, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखो, मोदी जी का ये है कि उन्होंने जो कार्य करे हैं उसके लिए लोग जो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ही आना चाहिए, क्योंकि जो भारत का जो चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए वो इन्हीं को ही प्रेफर कर रहे हैं, हर गांव से, हर गली से, हर मोहल्ले से। आप यहीं से? हाँ, मैं जयपुर से ही हूँ। तो रामचरण बोरा जी आपके यहाँ से कैंडिडेट हैं, उनका कितना सहयोग पिछले 5 साल में रहा और आगे क्या सोचते हैं आप उनके? साहब, हमारे जो रामचरण जी बोरा यहाँ से कैंडिडेट है, सरल स्वभाव के हैं और बहुत बढ़िया है, और एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता जाके मिलने में खुशी जाहिर करता है कि हमारे एक ऐसा प्रत्याशी है जो हर आदमी को पूरा रेस्पॉन्स देते हैं, और टाइम टू टाइम जो उनका सांसद लाइक काम होता है वो काम भी करवाते हैं टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सामने ज्योति खंडेलवा और है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि महिला टिकट और बहुत लंबे अरसे के बाद में एक महिला को टिकट मिला है यहाँ से। साहब, आपने जब महापौर थी ज्योति खंडेलवाल जी, जब हमने क्या पूरी जयपुर शहर की जनता देख चुकी उनकी कार्यशैली और उनका कार्यक्रम, कितना तो ईमानदारी थी, कितनी भ्रष्टाचार थी, और हमारे वाले जो सांसद पहले रामचरण जी बोरा रह चुके उनके बारे में भी जनता देख चुकी कि एक अंगुली भी नहीं उठा सके, उनके ऊपर कितनी अंगुलियां उठी थी ज्योति जी खंडेलवाल को, और आगे भी देख रहे हैं, आगे भी देख लेंगे, ये स्थिति है उनकी। मोदी जी के आने के बाद में क्या आपको कितनी सीटों का अंदेशा है, जहाँ पे अभी अंदेशा लगाया जाता है कि 18 से 20 तक सीट आएगी? मोदी जी राजस्थान में ये पहली सभा है अपने यहाँ पे, उसके बाद में जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसके बाद में 3 मई को सीकर में भी होने वाली है, कितनी क्या लहर वापस से चेंज हो जाए, कितनी सीटों का आपको आशा है कि कितनी सीट तक पहुँचे? सर, लहर तो पहले से ही है, लहर ऐसे नहीं चल रही है, मोदी जी ने काम किया, देश का नेतृत्व कर रहे हैं और युवाओं के लिए काम किया है, यो मान लो देश के लिए काम किया है, सर्जिकल किया है, और काफ़ी जो चल रहा है तूफानी, तो लहर नहीं, बड़ी लहर चल रही है, तो लहर तो आने का तो कोई वो है ही। आप देख सकते हैं किस तरीके से जनसमूह यहाँ पे इकट्ठा हुआ, उसके बाद में कितने अंदेशा, 7-8 लोगों के यहाँ आने की अभी संभावना है, 7 से 8 लाख लोग यहाँ पे आने के समय, उसी तरीके से व्यवस्था की गई है। अभी तक जहाँ तक देखा जा रहा है प्रशासन जो की है वो ज़्यादा दिख रहा है पब्लिक से ज़्यादा, बट जैसे 7:30-8 बजे तक मोदी जी आएंगे तब तक अंदेशा लगाया जा रहा है 7 से 8 लाख लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। मैं सागर चौधरी।